हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया इंडिया नंबर वन नेचुरल गैस कंपनी की तरफ से, यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी पीएसयू कंपनी है, जैसे कि स्पेशली ओएनजीसी हो गया या फिर गेल हो गया या आईयूसीएल हो गई, इनमें ना आप लोगों का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो काफी बेहतर होता है यदि आप लोग अदर डिपार्टमेंट से कंपेयर करें तो। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है, उसके अलावा जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है, आप लोगों का प्रमोशन सिस्टम भी बढ़िया है। तो जॉब एक तरीके से बोल सकते हैं, यदि आप लोग यहां पर जॉब लगा लेते हो तो आपकी लाइफ बेसिकली सेट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल से समझ रहे होंगे ये जो वैकेंसी निकाली है, और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी वैकेंसी है, काफी संख्या में वैकेंसी है। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या रखा गया है, तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल पाए और आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में कर पाओ। यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं गेल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने ओपन किया है। यहां पर करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन में इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है उसको हम लोग समझ रहे होंगे। गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, यह महारत्न पीएसयू कंपनी है और यह नेचुरल गैस में इंडिया में नंबर वन है, तो बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर हम लोग वैकेंसी की यदि बात कर लें तो टेबल वन में वैकेंसी को दिखाया है, यहां पर आप लोगों का ग्रेड दिखाया कि किस ग्रेड की सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है, तो वो हम लोग नीचे डिस्कस कर रहे होंगे। यहां पर यदि पोस्ट देखोगे, जूनियर इंजीनियर केमिकल की पोस्ट है जिसमें टोटल 2 पोस्ट को निकाला है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है जिसमें 1 पोस्ट को निकाला है, फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है जिसमें 1 पोस्ट को निकाला है, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है जिसमें 14 पोस्ट को बेसिकली निकाला है, उसके अलावा फोरमैन सिविल की पोस्ट है 6 पोस्ट को ओपन किया है, उसके अलावा जूनियर सुपरिंटेंडेंट की यहां पर 5 पोस्ट को निकाला है, नीचे जाए तो जूनियर केमिस्ट की 8 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की 14 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी की यहां पर 3 पोस्ट है, ऑपरेटर केमिकल की 73 पोस्ट है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 44 पोस्ट है। अब इन पोस्ट के लिए जैसे कि टेक्निकल इलेक्ट्रिकल हो गया, आईटीआई स्टूडेंट्स भी यहां पर एलिजिबल होंगे, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया यहां पर 45 पोस्ट निकाली है, टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें 39 पोस्ट को निकाला है, उसके अलावा यदि टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड मिलिट्री की बात करें 11 पोस्ट को निकाला है, ऑपरेटर फायर में 39 पोस्ट को निकाला है, ऑपरेटर बॉयलर में 8 पोस्ट को निकाला है, अकाउंट असिस्टेंट में 13 पोस्ट को निकाला है, बिजनेस असिस्टेंट में 65 पोस्ट को निकाला है। तो टोटल यदि हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी देखने लगे, 391 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को निकाला है, जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब इसके लिए सर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में हम लोग देख रहे होंगे, साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को क्लियर होने चाहिए फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए भी जो है वैकेंसी को रिजर्व किया गया है, तो यहां पे उनके लिए डिटेल्स बेसिकली दी है कि कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स किस पोस्ट में एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे होंगे, यहां पर चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यदि जूनियर इंजीनियर पोस्ट की बात करें केमिकल के लिए, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिकल से आप लोगों ने किया है या केमिकल टेक्नोलॉजी से किया या केमिकल से रिलेटेड आपका डिप्लोमा है, और 60% मिनिमम मार्क्स से आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस में मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद में, यह चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यदि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल से किया है, अप्लाई कर पाओगे, 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगला फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें, यदि आप लोगों ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, मिनिमम 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाओगे, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहां मांगा है। यदि हम लोग बात करें फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है या इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड किया है, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे, मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। एज लिमिट यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर अपर एज लिमिट 33 ईयर रखा है। यदि हम लोग बात करें यहां पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, यहां पर अपर एज लिमिट को 45 ईयर रखा है, और जो है कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है। फोरमैन सिविल की बात करें, यहां पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल मिनिमम 60% मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा है। यदि हम लोग जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, तो यहां पर बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन हिंदी लिटरेचर से है, आप लोग अप्लाई कर पाओगे, साथ साथ में डिग्री सर्टिफिकेट शुड क्लियरली मेंशन बैचलर डिग्री हैज बीन अवार्डेड इन हिंदी लिटरेचर, क्लियर आप लोगों का होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो, और 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर केमिस्ट की
बात करें, मास्टर डिग्री यहां पर मांगी है, 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए सीए आप लोगों से मांगा है या मास्टर डिग्री आप लोगों के पास में है, साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर पाओगे। टेक्निकल अटेंडेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेरी की बात करें, बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विद केमिस्ट्री के साथ में मिनिमम 3 ईयर का है, 55% मार्क्स है, अप्लाई कर पाओगे। 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या अंडरटेकिंग से, कोई प्राइवेट सेक्टर से, तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ऑपरेटर केमिकल की यदि बात करने लगे तो यहां पर बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी यदि आप लोगों के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन का 55% मार्क्स के साथ में अप्लाई कर पाओगे, या फिर बीएससी इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन का है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए क्या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। इसमें थोड़ा सा समझिएगा, यदि हम लोग पे स्केल की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इनकी जो पे स्केल है 24,500 से लेकर 90,000 आपका बेसिक पे रहने वाला है। S3 ग्रेड का आप लोगों को सैलरी मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें, आप लोगों की मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर रखी गई है। आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। यहां पर क्वालिफिकेशन में मैट्रिक प्लस आईटीआई ट्रेडमैनशिप, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझिएगा। ट्रेडमैनशिप का मतलब है कि बेसिकली जिस ट्रेड से संबंधित है उससे आपकी आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रिकल की बात करी है तो आपने यदि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड से करी है आप यहां पर एलिजिबल हो, या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन ट्रेड से किया है तब भी आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन साथ साथ में मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो यहां पर मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ये चीज यहां पर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप प्लस एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है कि आपके पास में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो। क्लियर हो रहा है ना यहां पे। नेक्स्ट यदि बात करें टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन का, यहां पर सेम कहानी है। यदि आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से आईटीआई किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है आप एलिजिबल हो, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप लोग एलिजिबल हो। यहां पर आपकी अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा, यह विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यदि बात करें टेक्नीशियन मैकेनिकल की, यहां पर देखोगे आप लोगों का 10th क्लास कंप्लीट और आईटीआई ट्रेडमैनशिप। ट्रेडमैनशिप में कौन कौन सी ट्रेड आ जाएंगे, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट या टर्नर। आपने इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में आईटीआई किया है या अप्रेंटिसशिप किया है और उसके साथ में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे यहां पर टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमिलिट्री की बात करें, यहां पर भी सेम कहानी है। उस ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया है तो आप एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस साथ में मांगा हुआ है। ऑपरेटर फायर की बात करें 10th+2 या उसके इक्विवेलेंट यानी कि समकक्ष मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन का फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स जो बेसिकली होता है वो होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल फायर टेंडर वाला आपके पास में होना चाहिए, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। यहां पर भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। बॉयलर का यहां पर वैकेंसी निकला है। मैट्रिक पास विद आईटीआई ट्रेडमैनशिप यानी कि बॉयलर ट्रेड से आप लोगों की आईटीआई होना चाहिए। 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में है, अप्लाई यहां पर कर पाओगे। एंड यहां पर ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस यानी कि बीएससी वालों को भी एलिजिबल किया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर का यदि आप लोगों के पास में है, कॉमर्स से बीकॉम वाले यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई यहां पर कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें बिजनेस असिस्टेंट की, वैकेंसी है। बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से है, आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये तो हो गई हमारी जो भी पोस्ट निकली है उसके रिगार्डिंग यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। यहां पर क्लियरली बोला है ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स को कंसीडर्ड किया जाएगा, यदि आप लोगों ने पार्ट टाइम किया है उस कोर्स को यहां पर कंसीडर्ड बेसिकली नहीं किया जाएगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा यहां पर कुछ पोस्ट मेंशन है, यहां पर क्वालिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि यहां पर जूनियर इंजीनियर में बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। यहां पर सारी चीजें यहां पर इन्होंने क्लियर किया। टेक्नीशियन में आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे, इस बात
बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईटीआई वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो क्लियर आपको होना चाहिए। उसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करें तो यहां पर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मिनिमम प्रतिशत मार्क्स है वहां पर 5% का रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करें, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रिमिलियर वालों को 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वालों को यहां पर 15 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें स्टिफन वगैरह, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो S7 ग्रेड वालों को जो बेसिक सैलरी जो रहेगा, पे स्केल जो रहेगा वो 35,000 से लेके 1,38,000 तक, S5 ग्रेड वालों को 29,000 से लेके 1,20,000 तक, S3 वालों का 24,500 से लेके 90,000 तक रहने वाला है। इनिशियल बेसिक पे यहां पर है, तो ऐसा नहीं है कि इनिशियल बेसिक पे है वही आप लोगों को मिलने वाला है, काफी सारे अलाउंसेस बेसिकली डियरनेस अलाउंस एज पर गवर्नमेंट रूल आप लोगों को सारी चीजें जो है मिलने वाली है, तो सारा बेनिफिट बेसिकली यहां पर मिलेगा। प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पर इन्होंने बोला है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ गेल, तो जो भी गेल इंडिया लिमिटेड के जो भी बेसिकली जहां जहां पर भी प्रोजेक्ट है या ज्वाइंट वेंचर कंपनी है वहां पर हम लोग पोस्ट करें। एप्लीकेशन फी की यदि बात करें तो यहां पर ओनली 50 रुपीज लगने वाली है जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए, एंड जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है। तो ये होती है भैया बात कि ओनली 50 रुपए आपसे ले रहे हैं, परमानेंट बेसिस पे भर्ती दे रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में भर्ती दे रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की बात करें, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे यहां पे ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बेसिकली बताया है, हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस। यहां पे यदि हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग पोस्ट का दिया है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर का रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, एंड जो भी उनका रेलिवेंट डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड, एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का भी सेम होगा, फोरमैन इलेक्ट्रिकल का, एंड जो है फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन का रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रेलिवेंट डिसिप्लिन का रहेगा। तो इस प्रकार यहां पे आप लोग देख सकते हो टेक्नीशियन में भी आप लोगों का रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। अब यहां पे इन्होंने बाकी इंफॉर्मेशन भी दी है कि आप लोगों का जो रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग बेसिकली नहीं रहने वाली है, एंड आप लोगों को जो टाइम मिल रहा होगा वो 90 मिनट का समय बेसिकली मिल रहा होगा। साथ ही साथ क्लियर करना चाहूंगा यहां पर डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे कि आप टेक्नीशियन मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जैसे कि ITI स्टूडेंट फिटर टर्नर मशीनिस्ट डीजल मैकेनिक के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जिस प्रकार IUCL टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट का है, सेम यहां पे कहीं ना कहीं रहने वाला है। तो IUCL जो अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट का ऑलरेडी हम लोगों का कोर्स चल रहा है, गेल के स्टूडेंट्स जो है उस कोर्स में जिन्होंने वो कोर्स लिया है उनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने नहीं लिया वो डेफिनेटली गेल के कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं, कंटेंट लगभग सेम होगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, या फिर IUCL वाले कोर्स में भी जा सकते हो, दोनों से एक दूसरे की प्रिपरेशन आराम से बेसिकली हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पे बाकी चीजों के बारे में बात करें, हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप लोगों के फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड यहां पर आप लोग देखोगे 7 सितंबर 2024 आप लोगों की लास्ट डेट जो है रहने वाली है, तो काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। इसका कोर्स आप लोगों को ऑफिशियल जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, उसको डाउनलोड करके डेफिनेटली आप लोग इनरोल कर सकते हो। सेम आप लोगों का IUCL का जिस प्रकार का बैच है, जिस प्रकार का कंटेंट है, वो कंटेंट आपको मिलेगा, और उसी प्रकार का इनका पैटर्न होता है। यदि आप लोग गेल की बात करें, IUCL की बात करें, ONGC की बात करें, इनके जो एग्जाम पेपर है वो सिमिलर रहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड नहीं होगा क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, वैकेंसियां काफी हैं, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और यह समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, राइट, क्योंकि हम पूरी ताकत जो है कहीं ना कहीं लगाएंगे जिस डोमेन में हम हैं, जिस डोमेन में इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आए, और उस डोमेन में यदि वैकेंसी आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर फर्ज बनता है कि आपके कदम से कदम मिला के कहीं ना कहीं प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करा सकें, जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को झोंका जाए और तैयारी को अच्छे से कराया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।